चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ाए थे मैंने आपको? डेविएशन बताया था ना कि डेविएशन कितना होता है, आई माइनस आर के बराबर डेविएशन होता है, ऐसा कुछ बताया था ना मैंने। डेविएशन के कुछ सवाल भी कराए थे, ठीक है। चलिए अब उसमें जैसे एक स्लैब का डेविएशन मैंने बताया था आपको, एक स्लैब का डेविएशन जीरो होता है। अगर मान लिया जाए कि एक से ज्यादा स्लैब हो, दो स्लैब, तीन स्लैब, चार स्लैब हो, तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग टैकल करते हैं ये देखते हैं। इफ देयर आर मोर देन टू, इफ देयर आर मोर देन वन पैरेलल स्लैब, इफ देयर आर मोर देन वन पैरेलल स्लैब, इफ देयर आर मोर देन वन पैरेलल स्लैब, एक से ज्यादा पैरेलल स्लैब है अगर, मोर देन वन पैरेलल स्लैब, एक से ज्यादा पैरेलल स्लैब है, दो है, तीन है, चार है, तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरह से डेविएशन और बाकी चीजें देखते हैं, यहां पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए स्लैब है, बहुत सारे स्लैब है, इसके ऊपर लाइट रे गिर रही है, इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये अलग अलग स्लैब्स के ऊपर ये लाइटें जा रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से फैन नहीं चलाओ तो चल जाएगा, स्वेटर पहन के फैन चला दी भाई, स्वेटर भी करना है, फैन भी चला रही, डबल मस्ती डबल मजा, ऐसे ना करो, स्वेटर उतार दो, फैन चलने से आवाज आती है थोड़ा। चलिए गर्मी लग रही, देखो मैंने उतार दिया ना स्वेटर, आप भी उतार दो स्वेटर, अभी पहन के तो आ ही था ना भाई, तो ये आई है मान लिया, ठीक है। अब देखे इसमें ये लाइट रे इस तरह से जाएगी, मान लो ऐसे चले, ये वाला एंगल आर वन हो जाएगा, ये आर वन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो लाइट रे है वो मान लिया कि ऐसे चलेगी, तो ये एंगल आर टू होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये भी आर टू के बराबर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मान लिया जाए कि लाइट ऐसे चलेगी, ये आर थ्री है तो ये भी आर थ्री हो जाएगा, ठीक है। और फिर मान लिया कि लाइट ऐसे चलेगी और इस एंगल को मैं ई बोल दिया, ठीक है, इस एंगल को मैंने ई बोल दिया, और बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नॉट है, पहले स्लैब का म्यू वन है, दूसरे स्लैब का म्यू टू है और तीसरे स्लैब का म्यू थ्री है और बाहर का मीडियम जो है वो म्यू वन है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अगर पैरेलल स्लैब दिए हैं तो उस कंडीशन में जो इनका रिलेशन होता है अलग अलग एंगल का, डेविएशन का और बाकी चीजों का, वो देखिए हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए ध्यान से इसको, मैं इस पॉइंट पर स्नेल का नियम लगाऊंगा, यहाँ पर मैं स्नेल का नियम, यहाँ पर स्नेल का नियम लगाया जाए तो क्या लॉ बनेगा, अगर स्नेल का नियम यहाँ लगे तो ये बनेगा म्यू नॉट साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर, अगर यहाँ लगाऊं तो क्या बनेगा, म्यू वन साइन आर वन इज इक्वल टू म्यू साइन आर, म्यू वन साइन आर वन पहले से ही था, ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू टू साइन आर टू, ठीक है, यहाँ म्यू टू साइन आर टू होगा। यहाँ पे अगर आप इस जगह पे लगाओ स्नेल का नियम तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा म्यू टू साइन आर टू इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन आर थ्री, तो ये हो जाएगा म्यू थ्री साइन आर थ्री, और फिर यहाँ पर लगाऊंगा तो ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट साइन ई, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ बैठ जाओ भाई, खूब सारी जगह इधर आ जाओ, समझे आओ, चलिए। तो इसमें म्यू नॉट साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर टू इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन आर थ्री इज इक्वल टू म्यू नॉट साइन ई, इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर ले।
नोट करें इसे फटाफट। कर लिया? यस सर। विशेष बातें, एक बात तो यह है कि स्मेल का नियम, हम जैसे अगर बहुत सारे पैरेलल स्लैब लगे हुए हैं तो जरूरी नहीं कि हम किसी एक पॉइंट पे लगे, हम किन्हीं भी दो स्लैब के बीच लगा सकते हैं। जैसे हम अगर ये पहला वाला इस चौथे के भी तो बराबर आ रहा है, ये दूसरा वाला इस पांचवें के बराबर भी आ रहा है, तो हम इस पॉइंट और इसके बीच भी स्नेल का नियम लगा सकते हैं। अगर इसके इसके बीच लगाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर थ्री हो जाएगा। इसके इसके बीच लगाएंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर वन हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर थ्री हो जाएगा। तो आप किन्हीं भी दो पहले और पांचवें के बीच लगा सकते हो, सातवें और बहत्तरवें के बीच लगा सकते हो, बहुत सारे अगर स्लैब है तो आप किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच स्नेल का नियम लगा सकते हो। एक बात, दूसरी बात इसके अंदर ये आ रही है कि अगर ध्यान से देखें, पहला और आखिरी मीडियम सेम है, फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम है, ये पहला मीडियम है, म्यू नॉट और आखिरी भी सेम है। तो देखो म्यू नॉट साइन आई बराबर कितना है, म्यू नॉट साइन ई, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, आई इज इक्वल टू ई आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर पहला और आखिरी मीडियम सेम है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होती है, अगर फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होती है। इस बात को नोट भी करें, लिखे इफ फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम आर सेम, इफ फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम आर सेम देन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल, फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम आर सेम देन incident ray and emergent ray are parallel, if first and last medium are same then incident ray and emergent ray are parallel, first and last medium are same then incident ray and emergent ray are parallel। अगर पहला और आखिरी मीडियम सेम है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, ये नोट कर लें। बीच का मीडियम कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर पहला और आखिरी सेम है तो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे, भाई आई इज इक्वल टू ई आ गया ना, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल हो जाएंगे। अगर फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम है तो फिर बीच का मीडियम कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, बढ़े आगे, मिटाते हैं इसे। चलिए इसके अंदर मैं कुछ सवाल करने जा रहा हूं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़े हुए सवाल हैं। जैसे मान लिया जाए एक स्लैब है और इस स्लैब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसा मान लेता हूं ये x एक्सिस से ये y एक्सिस है और ये स्लैब जो है इसकी लंबाई l के बराबर है और यहां पर एक लाइट रे गिराई गई, लंबाई l के बराबर है, लाइट रे इस तरह से गिराई गई है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है स्लैब का वो दिया है इस तरह से म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे दिया हुआ है जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्लैब का, ये म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, इस तरह से लाइट रेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो क्वेश्चन लिखें, फाइंड द टाइम इन विच द लाइट रे विल क्रॉस द स्लैब, find the time in which the light ray will cross the slab, find the time in which the light ray will cross the slab, वो समय बताएं जब light ray जो है उस slab को पार कर जाए। L by C और C जो है light की velocity vacuum में है और इसका refractive index variable mu is equal to mu naught 1 plus x square, ये इसका refractive index है।
हाँ भाई बताए तो बताओ आप चलिए सॉल्व करते हैं इसमें क्या है कि अगर ये लाइट की वेल मतलब इसका म्यू कांस्टेंट रहता ठीक है तो म्यू कांस्टेंट रहता तो लाइट की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती तो सीधे सीधे टाइम आ जाता एल बाई बी जहां बी वेलोसिटी है इसकी लेकिन क्या है ये म्यू बदल रहा है अब म्यू बदल रहा है म्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है अगर आप याद करें तो म्यू बराबर होता है सी बाई बी अगर बी बदल रहा है तो लाइट की वेलोसिटी भी बदल रही होगी वेलोसिटी बदल रही होगी तो हर जगह वेलोसिटी इसकी सेम तो आएगी नहीं हर जगह वेलोसिटी अलग अलग आएगी तो टाइम निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं ये जो टुकड़ा है इसकी लंबाई हम dx मान लेते हैं और ये दूरी हम x मान लेते हैं ठीक है तो अब ये जो टुकड़ा है इस टुकड़े की लंबाई dx है और इस टुकड़े में जो लाइट रे जाएगी वो v वेलोसिटी से अगर जाएगी तो जो टाइम लगेगा dt वो बराबर हो जाएगा dx / v अब v जो होता है वो c / u के बराबर होता है म्यू जो है वो c / v के बराबर होता है तो हम v की जगह लिख सकते हैं c / v ये जाएगा dx / c / u v ऊपर चला जाएगा अब v की वैल्यू हम रख देते हैं म्यू नॉट into 1 + x स्क्वायर / c into dx म्यू नॉट / c मतलब तो अब ये हो जाएगा म्यू नॉट dx / c + म्यू नॉट x स्क्वायर dx / c हो जाएगा अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो टाइम कहां से काटा जाएगा ये 0 से x की वैल्यू कहां से काटा जाएगा 0 से l इसमें भी 0 से l और ये टाइम 0 टू t तो t की वैल्यू आएगी म्यू नॉट l / c प्लस म्यू नॉट / c नॉट / c l क्यूब / a ये टाइम आ जाएगा म्यू नॉट एल बाई सी प्लस म्यू नॉट अपॉन सी एल इसी का सही आया थी चलो बस ये आ बढ़िया नोट करें
चलिए मैं बढ़े आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें रिफ्रैक्टिव वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और खास वैरायटी का सवाल बनता है, आईटी में भी आ चुका है ये सवाल। इसमें एक स्लैब है, ठीक है, और इस स्लैब के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है। वैसे तो 90 से थोड़ा सा कम ही दिख रहा है ये, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। 90 डिग्री पे लाइट गिर रही है, ये नॉर्मल है, और ये लाइट जो है वो कुछ इस तरह से जाती है, कर्व पाथ में जाती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, कर्व पाथ में जाती है। और ये जिस कर्व पाथ में जाती है उसका इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 2x2। ये जो लाइट रे का स्लैब के अंदर इक्वेशन है वो है वाई इज इक्वल टू 2x2। अब इसमें लिखे क्वेश्चन लिखे the refractive index of the slab, the refractive index of the slab is a function of refractive index of the slab is a function of y only, refractive index of the slab is a function of y only, refractive index of the slab is a function of y only, y only. Find the refractive index as a function of y. Refractive index of the slab is a function of y only. If the refractive index of the slab is a function of y only, find the refractive index as a function of y. स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बस इसके वाई कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वाई कोऑर्डिनेट पे ही अगर डिपेंड करता है तो आपको भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है एज ए फंक्शन ऑफ वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कैसे वेरी करेगा। चलिए मैं बता रहा हूँ सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल है, थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है। इधर आ जाए सब लोग, मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी और भी शीट वीट में सवाल मिलेंगे तो करिएगा। तो जैसे ये ऐसे जा रहा है और लाइट रे वो कर्व पाथ में जा रही है, कर्व पाथ में जाने का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बढ़ता ही जा रहा होगा या घटता ही जा रहा होगा, क्योंकि कर्व पाथ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्स्टेंट रहता तो मतलब एक ही मीडियम होता, एक ही मीडियम होता तो सीधी ही निकल जाती, लेकिन फिर इसका बदल रहा है तभी ये कर्व पाथ में जा रही है। तो हम इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप ले लें, ऐसे हमने एक पतली सी स्ट्रिप ले ली और हम इस स्लैब को ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप से बना हुआ मान सकते हैं। एक ही वाली स्ट्रिप होगी, एक दूसरी, एक तीसरी, एक चौथी, ऐसे करके बहुत सारी स्ट्रिप से बना हुआ मान सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी दो स्ट्रिप के बीच हम स्नेल्स का लगा सकते हैं, तो हम स्नेल्स का लगाएंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, ये आर हो जाएगा और ये वाला आई हो जाएगा। तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो स्नेल्स लॉ बनेगा 1 sin 90 इज इक्वल टू म्यू साइन आर, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/sin। अगर हम किसी तरह से आर की वैल्यू निकाल लें तो म्यू पता चल जाएगा, आर अगर हम एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकाले तो म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आर एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकालने के लिए हम लोग कैलकुलस का यूज करते हैं, इसमें हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं,
एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो ये वाला एंगल अगर आर है तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, ठीक है। अच्छा किसी भी कर्व के ऊपर अगर टेंजेंट डाला जाए तो उसका स्लोप जो आता है वो कितना आता है d/dx, तो ये d/dx इसका स्लोप आएगा और स्लोप ये एंगल 90 माइनस आर के बराबर है तो d/dx हो जाएगा tan ऑफ 90 माइनस आर। dy/dx यहां से निकाले तो कितना आएगा, तो यहां से dy/dx 4x के बराबर हो जाएगा तो 4x is equal to cot r, ये हो जाएगा। हमें चाहिए sin r, cot r हमें पता चल चुका है लेकिन हमें sin r चाहिए तो cot r से sin r को निकाल सकते हैं, ट्रायंगल बना लो छोटा सा, ये r हो गया, ये 4x हो गया, ये 1 हो गया, तो cot r तो ये मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए cot r जो हो जाएगा वो 4x अपॉन 1 के बराबर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16x स्क्वायर। तो cot r हमें अगर पता है तो sin r उस ट्रायंगल को देख के निकाला जा सकता है कितना होगा sin r 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16x स्क्वायर दिया हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16x स्क्वायर दिया जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 plus 16x square, लेकिन ये कह रहा है y के टर्म में बताओ तो 2x square कितना है y, y जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 plus 8y, ये इसका refractive index आ जाएगा as a function of y, y के function के टर्म में ये इसका refractive index आ जाएगा, note कर ले इसे। नोट कर लिया गया, चलिए एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें जैसे इन्होंने बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है y कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, यानी यहां से यहां तक पूरी स्ट्रिप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, यहां से तक y कोऑर्डिनेट सेम है ना, तो पूरी स्ट्रिप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से यहां तक सेम होगा। तो मैंने एक स्ट्रिप ऐसे अज्यूम कर ली
अब ये जो मैंने स्ट्रिप अज्यूम कर रखी है, अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कितनी भी पैरेलल स्लैब्स हो, किन्हीं भी दो के बीच आप स्नेल का नियम लगा सकते हैं। तो इस केस के बीच मैंने स्नेल का नियम लगा दिया, तो इक्वेशन बनेगा म्यू 1 sin i = म्यू 2 sin r, म्यू 1 1 है और ये 90 के बराबर है, तो 1 sin 90 = म्यू sin r, तो यहां से म्यू की वैल्यू 1 / sin r आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो म्यू इसके बराबर हो जाएगा और ये अंडर रूट ऑफ 1 + 8 y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हां बोलो बेटा। सर अगर 90 पे स्ट्राइक करेंगे तो सबको तो डाइवर्ज तो नहीं, तो लगभग 90 है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग से बना रखा है, 90 से लिख रखा है, मतलब 90 बस जस्ट पहुंचने वाला है, वो एकदम 90 पहुंचा देंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद यहां से आपका dy / dx, अब यहां पे r है तो इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये r होगा, ये भी r, ये 90 माइनस r, तो tan थीटा होता है dy / dx, तो tan 90 माइनस r dy / dx हो गया, तो cot r जो है वो dy / dx हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये यहां से आ गया। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े, चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इसके अंदर एक कांसेप्ट होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। हेडिंग तक देखिए TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये TIR की जो घटना होती है, ये क्या घटना होती है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये होती तो रिफ्रैक्शन की घटना होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ रिफ्लेक्शन जो फिनोमेना होता है वो देखते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक मीडियम है और ये वाला मीडियम डेंसर है और ये हेलो ये वाला मीडियम जो है वो रेयर है। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये घटना होती तभी है जब लाइट रे डेंसर मीडियम में से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम जो है उससे जब लाइट रे रेयरर मीडियम में जाएगी तभी ये घटना होती है, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये फिनोमेना नहीं होता। तो पहली बात तो नोट करें इसके बारे में, TIR के बारे में, लेकिन दिस फिनोमेना अकर्स व्हेन द लाइट रे, दिस फिनोमेना अकर्स व्हेन द लाइट रे मूव्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, this phenomenon occurs when the light ray moves from a denser medium to a rarer medium, this phenomenon occurs when the light ray moves from a denser medium to a rarer medium। ये phenomenon तभी होता है जब light ray denser medium से rarer medium में जाती है। अब ये कैसे होता है phenomenon, इसको थोड़ा सा visualize करें, समझा जाए। जैसे मान लीजिए कि एक लाइट है डेंसर मीडियम से रेयर, डेंसर का मतलब यहां डेंसिटी से नहीं, डेंसर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा इसका कम है। तो जैसे कि मान लीजिए एक लाइट है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई, तो अब ये लाइट है नॉर्मल से दूर चली जाएगी और r जो है वो i से बड़ा होगा। अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी और r जो है वो i से बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ा दिया, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, लाइट ऐसे चली गई। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इसमें कोई एतराज है किसी को? ये बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, हेलो 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 क्या हो रहा है, हेलो 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 हेलो, हल्का फुल्का तो कर रहा है ना आवाज, बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसको हटा ही दे क्या, हटा देते हैं इसको। चलिए, तो अगर हम एंगल ऑफ
इंसिडेंस बढ़ाते चले जाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता चला जाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है, डेंसर से रेयर में लाइट रे जाएगी तो बढ़ता चला जाएगा। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा जिसके लिए लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इसको बढ़ाते गए ये बढ़ता चला गया। अब मान लो मेरा मन नहीं भरा अभी और मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ तो क्या होगा, ये बढ़ते 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 90 हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, अब उससे ज्यादा तो बढ़ नहीं सकता ना, तो अब क्या होगा कि रिफ्रैक्शन की घटना नहीं होती। अब उसके बाद क्या होता है, इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है और इसी घटना को हम लोग PIR कहते हैं। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। अगर हम अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी बढ़ाते हैं तो अब लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बजाय उसी मीडियम में वापस आ जाती है और इस घटना को TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, इसको नोट करें, लिखे लिखे भाई, ये फैन ना चला गया, हाँ बंद कर दो इसको, ठीक है, और ये खिड़की भी बंद कर दो, हाँ बंद कर दो मैं इसी चला देता हूँ ना, तो आवाज एकदम अच्छे से आएगी। हाँ ठीक है, चलिए तो इसके अंदर क्या है लिखिए, when the angle of incidence in denser medium, when the angle of incidence in denser medium is increased, angle of incidence in denser medium is increased, the angle of refraction increases. Angle of incidence in denser medium is increased. Angle of refraction increases. Angle of refraction increases. For A, angle of refraction increases. For a certain angle of incidence, for a certain angle of incidence, angle of refraction, for a certain angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. For a certain angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. For a certain angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. अगली लाइन में लिखना, if the angle of incidence is further increased, 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 the light ray angle of incidence is further increased, the light ray angle of incidence is further increased, the light ray instead of refraction, if the angle of incidence is further increased, the light ray instead of refraction comes back, the light ray instead of refraction comes back in the same medium, the light ray instead of refraction comes back in the same medium. Comes back in the same medium. This phenomenon is called TIR. Total internal reflection. ध्यान से देखिए, अब अगर इसमें angle of incidence बढ़ाते जाएंगे तो angle of reflection बढ़ता जाएगा। एक ऐसा एंगल आता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उसके बाद भी अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बजाय उसी मीडियम में वापस आ जाती है और इस घटना को हम लोग TIR के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये TIR की घटना होती है। अब इसको समझने के लिए कुछ हम लोग टर्म्स डिफाइन करते हैं, जैसे इसके अंदर एक आता है क्रिटिकल एंगल, लिखे क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल हिंदी में कहते हैं इसको क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं सब लोग। क्रिटिकल एंगल कई बार बुक्स में इसको
थीटा सी से दिखाते हैं, हम इसको सी से दिखा रहे हैं, थीटा सी से भी दिखा सकते हैं, जिससे मर्जी आए आप दिखाएं, क्रिटिकल एंगल को मैं सी से दिखा रहा हूं। तो क्रिटिकल एंगल जो है ये कौन सा एंगल होता है इसको देखते हैं, ये नोट कर लिया क्या आपने? क्रिटिकल एंगल जो है इसको डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे क्रिटिकल एंगल को? अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे? बिल्कुल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उसे हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है, लेकिन द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle. The angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is called critical angle. वो angle of incidence जिसके लिए angle of refraction 90 degree होता है उसे हम लोग critical angle कहते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए इसको, क्रिटिकल एंगल का क्या मतलब है। जैसे अगर क्रिटिकल एंगल जो है अगर इससे कम एंगल होगा तब क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। और इससे ज्यादा एंगल होगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन अगर इस एंगल से ज्यादा होता है तब रिफ्लेक्शन होता है, इससे कम होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। क्रिटिकल वर्ड का मतलब जो होता है उसको जो डिक्शनरी में मतलब होता है और यहाँ पे जो मतलब होता है आप रिलेट करें तो समझ जाएंगे। जैसे क्रिटिकल का मतलब होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल में कोई भर्ती है उसको हम लोग देखने जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि बड़ी क्रिटिकल है कंडीशन, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्रिटिकल का मतलब यही होता है कि या तो उस पार या तो इस पार, ठीक है। तो भाई यहाँ भी मतलब है, हाँ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से जरा सा भी ज्यादा हो गया तब क्या होगा? वापस उस मीडियम में आ जाएगी, नहीं तो फिर क्या होगा? दूसरे मीडियम में चली जाएगी, ठीक है। इसी को क्रिटिकल बोलते हैं। क्रिटिकल समझ गए ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल से कम है तब तो लाइट रे दूसरे मीडियम में चली जाएगी और क्रिटिकल से ज्यादा है तो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। क्रिटिकल एंगल का ये मतलब है। क्रिटिकल वर्ड जहां भी इस तरह की चीजें आती है ना कि बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट होता है, एक पूरा फिनोमेना ही बदल जाता है, उस चीज को क्रिटिकल कहते हैं। क्रिटिकल वर्ड हमेशा फिनोमेना बदलने पर आता है। तो इसमें क्रिटिकल एंगल अगर हमें निकालना है तो जैसे मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है और इसका म्यू आर है, तो हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। क्या होगा स्नेल्स लॉ? म्यू डी साइन 90 इज इक्वल टू म्यू आर, सॉरी म्यू डी साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर साइन 90, म्यू डी साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर साइन 90। तो साइन सी कितना आ जाएगा? म्यू आर अपॉन म्यू डी। क्रिटिकल एंगल निकालना है तो दोनों के म्यू का रेशियो होता है, साइन सी जो है दोनों के म्यू का रेशियो होता है, तो साइन सी इज इक्वल हो जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू डी, ये साइन सी की वैल्यू हो जाएगी। इसको नोट कर ले। चलिए नोट कर लिया। तो म्यू आर अपॉन म्यू डी दोनों का जो रेशियो होता है वो साइन सी होता है। अब इसमें क्रिटिकल एंगल वाले जो सवाल होते हैं उनके अंदर कंसेप्ट बस एक ही होता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा है तब तो TIR होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से छोटा है तो TIR नहीं होता। अगर क्रिटिकल से बड़ा एंगल होगा तो लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, क्रिटिकल से छोटा होगा तो TIR नहीं होगा। तो क्रिटिकल के जो इसके TIR के सवाल होते हैं उनमें बेसिक बात यही होती है। तो लिखे थोड़ा सा इसके बारे में लिख ले। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
is greater than critical angle, TIR occurs. If angle of incidence is greater than critical angle, TIR occurs. If angle of incidence is greater than critical angle, TIR occurs. Angle of incidence agar critical angle se bada hoga, to TIR. Otherwise nahi hota. ठीक है, चलिए बढ़े आगे. सवाल करेंगे कुछ. ये मीडियम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रूट टू और इस मीडियम का है वन. एक लाइट रे इंसिडेंट हुई है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, क्वेश्चन लिखे फाइंड द डेविएशन इन द लाइट रे. फाइंड द डेविएशन इन द लाइट रे. लाइट रे के अंदर कितना डेविएशन हो रहा है. तो देखो भाई इसमें पहले ये देखा जाए कि TIR होगा कि नहीं. क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, इसका क्रिटिकल एंगल कितना है 1 by root 2, तो क्रिटिकल एंगल आएगा 45 डिग्री. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने रखा है वो तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ रहा है, तो TIR होगा कि नहीं होगा. अरे बोलो भाई, हो जाएगा ना TIR. TIR हो जाएगा तो ये लाइट 60 डिग्री पे गई थी तो 60 डिग्री पे वापस आ जाएगी. ठीक है, अरे अच्छा रिफ्लेक्शन होगा तो भाई रिफ्लेक्शन के नियम के हिसाब से होगा. अब आपसे कहा गया डेविएशन बताओ, तो डेविएशन की वैल्यू इसके बराबर होगी तो ये कितना आ जाएगा. देखिए 60 डिग्री आ जाएगा, 60 ये 60 ये, तो 60 डिग्री होगा ना, तब तो 180 बनेगा, 60 डिग्री जो आपको. ठीक है, कोई दिक्कत. छोड़ देखते हैं TIR की सिचुएशन. जैसे ये सिचुएशन बना बनती है, ये अलग अलग 45 डिग्री ए है, ये बी है, ये सी. एक लाइट रे ऐसे आ रही है परपेंडिकुलर. क्वेश्चन लिखे फाइंड द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब. Find the minimum refractive index of the slab such that TIR occurs at the face AC. Find the minimum refractive index of the slab such that TIR occurs at the face AC. Minimum refractive index of the slab such that TIR occurs at the face AC. Slab ki kam se kam refractive index batayein के लिए एसी फेस पर TIR.
बताए भाई कितना है? टू रूट टू, रूट टू। चलिए देखिए सॉल्व करके देखा जाए तो ये लाइट रे ऐसे आ रही है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर टी आई आर हो जाए, इस जगह पे टी आई आर चाहते हैं। तो टी आई आर की शर्त यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो जैसे अगर यहाँ पर टी आई आर होगा तो ये वाला एंगल अगर आप देखें ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो गया 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से नापा जाता है तो 45 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो 45 शुड बी ग्रेटर देन सी। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल, टी आई आर चाहते हैं तो यही शर्त है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो 45 सी से बड़ा होना चाहिए, तो साइन 45 इज ग्रेटर देन साइन सी, हो जाएगा 1 बाई रूट 2 और ये हो जाएगा 1 बाई म्यू, म्यू आ जाएगा ग्रेटर देन, म्यू जो है वो रूट 2 से बड़ा होना चाहिए। नोट कर लें, बढ़े आगे। I greater than C है तो 45 greater than C होगा, साइन तो ये म्यू रूट से बड़ा होगा। एक आधा और सवाल करते हैं, चलिए सेम इसी टाइप का एक सवाल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये लाइन पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो क्वेश्चन लिखे फाइंड द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सच दैट टी आई आर अकर्स, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सच दैट टी आई आर अकर्स एट द फेस ए सी, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सच दैट द टी आई आर अकर्स एट द फेस ए सी। कम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ जिसके लिए एसी फेस पे टी आई आर, मतलब म्यू लेस देन सेक थीटा, म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू सेक थीटा, इक्वल टू ग्रेटर देन सेक थीटा। चलिए इधर आइए, देखिए ये लाइट ऐसे जाएगी और हम चाह रहे हैं कि इसका टी आई आर हो जाए, कि आईआर हो जाए, तो ये वाला एंगल जो होगा जो भी जितना भी है ये बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला कितना होगा, ये भी थीटा होगा तो ये कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। और हम चाहते हैं कि टीआईआर हो तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन सी। तो 90 माइनस थीटा अगर सी से बड़ा होगा तो दोनों तरफ का साइन ले लिया अगर हम, तो साइन 90 माइनस थीटा is greater than sin c, sin 90 minus theta kya ho jayega cos theta, aur sin c 1 by mu ho jayega to mu ho jayega greater than sin, to mu agar sec theta se bada hoga to us condition mein ac face par tia kya hoga, agar mu sec theta se bada hai to face ac par tia kya hoga, koi dikkat? Aage badhte hain,
कुछ और सवाल? कितने चौका सही आए थे? ये ये भी गलत हो गया क्या? नींद भी हो गया? अच्छा सोना छोड़ा कि नहीं दोपहर में? सर क्या हुआ? कोशिश किए थे लेकिन छूटा नहीं ना। जिसका दोपहर वाली शिफ्ट में सोना बंद कर दे। एकदम से किसने सोना छोड़ दिया? चलिए एक और सवाल है। ये जैसे मान लीजिए पानी का सरफेस है और पानी का जो सरफेस है उसके अंदर एक हमने बल्ब लगा रखा है। सरफेस के अंदर एक बल्ब लगा रखा है, पानी का जो सरफेस है उसमें बल्ब लगा रखा है और ये जो बल्ब है वो सरफेस से h गहराई पर, ठीक है, और पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है और एयर का तो वन होता ही है। तो एक बल्ब रोशनी का एक सोर्स है, लाइट का एक सोर्स है जो मैंने पानी के अंदर डाल रखा है और जो सरफेस से h गहराई पर दे रखा है। क्वेश्चन लिखे हम लिखे व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड देयर अपीयर्स, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड देयर अपीयर्स एन इल्यूमिनेटेड सर्कल, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड देयर अपीयर्स एन इल्यूमिनेटेड सर्कल ऑन द When observed from outside, there appears an illuminated circle. When observed from outside, there appears an illuminated circle on the surface of water. When observed from outside, there appears an illuminated circle on the surface of water. There appears an illuminated circle on the surface of water. Find the radius of this. When observed from outside, there appears an illuminated circle on the surface of water. Find the radius of this circle. When observed from outside, there appears an illuminated circle on the surface of water. Find the radius of this circle. देखिए सवाल मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। पानी का सोर्स यहाँ, लाइट का सोर्स यहाँ पे है। जब हम पानी के बाहर से देखते हैं ना तो पानी के सरफेस पर एक हमें चमकीला सा सर्कल दिखाई पड़ता है, उस सर्कल का रेडियस बताओ। पानी के बाहर से जब देखते हैं तो पानी के सरफेस पर एक चमकीला सा सर्कल होता है, उस सर्कल का रेडियस बताना है आपको। अपॉन अंडर होगा म्यू स्क्वायर माइनस वन। चलिए भाई आज इधर आ जाइए, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे क्या होगा सर्कल जो चमकीला सा दिखेगा इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो बल्ब है यहाँ से एक लाइट रे चली और सीधी निकली, यहाँ से एक लाइट रे ऐसे चली और ऐसे निकल गई। अब मान लीजिए कोई लाइट रे जो है वो क्रिटिकल एंगल पे गिरी तो वो ऐसे निकल जाएगी।
जैसे जैसे देखिए हम दूर जा रहे हैं एंगल बढ़ता भी जा रहा है तो लाइट रे जो क्रिटिकल एंगल पे गिरेगी वो तो ऐसे निकल जाएगी और अगर मान लो कि कोई भी लाइट रे जो इससे बाद गई अगर ये वाला एंगल क्रिटिकल है तो क्रिटिकल से भी बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा लाइट रे वापस उसी मीडियम में जाएगी यानी इस जगह से लेकर इस जगह तक भी तो जो लाइट रे है वो उस पार जाएगी और इस पॉइंट के अगर इधर चले गए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होगा और लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी यानी यहां से यहां तक की जो लाइट रे है वो तो उस पार जाएगी और इस पॉइंट के बाद की जो लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी तो यहां से यहां तक तो चमक दिखाई पड़ेगी बाहर से देखेंगे तो लाइट उस पार जा रही है उस पार जा रही तो हमें चमक दिखाई पड़ेगी लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर जाएंगे तो चमक नहीं दिखाई पड़ेगी सेम आर्गुमेंट इस तरफ के लिए भी है कि जो लाइट रे सी या उससे कम एंगल पे गिरेगी वो तो बाहर निकलेगी लेकिन जो उससे ज्यादा पे गिरेगी वो अंदर ही रह जाएगी और इसी तरह से पानी के पूरे सरफेस पर एक सर्कल बनेगा उस सर्कल का हमें रेडियस चाहिए ठीक है तो अब अगर उस सर्कल का हमें रेडियस चाहिए तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं उसका रेडियस मैंने आर मान लिया हां ये वाला एंगल सी के बराबर है तो ये भी सी के बराबर हो जाएगा अब इस ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर हम लिखते हैं टैन सी इस ट्रायंगल में टैन सी लिखा जाए तो कितना आएगा बताओ इस वाले ट्रायंगल में टैन सी हो जाएगा आर बाई एच आर इज इक्वल टू क्या हो गया एच टैन सी आर इज इक्वल हो जाएगा एच टैन सी अच्छा हम लोग ये तो जानते ही ना कि साइन सी किसके बराबर होता है 1 अपॉन बी होता है जो साइन सी की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन बी ठीक है तो टैन सी कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा से टैन थीटा तो निकाल सकते हो ना मेरे ख्याल से या मैं निकाल के बताऊं हां निकाल दूं हो जाएगा ठीक है तो ये आर की वैल्यू आएगी वजह की एच अपॉन अंडर रूट ऑफ जब तक एंगल सी से कम होगा तब तक तो लाइट रे उस पार चली जाएगी जैसे ही एंगल सी से ज्यादा होगा लाइट रे उस पार जाने के बजाय उसी मीडियम में वापस आ जाएगी ठीक है उसी मीडियम में वापस आ जाएगी तो आर बाई एच टैन सी के बराबर होगा तो आर की वैल्यू एच टैन सी के बराबर ठीक है और sin c कितना था 1 upon तो tan c 1 upon root तो 1 ये स्क्वायर माइनस ये नोट कर ले कर लिया नोट बड़े भाई आगे हाँ यस सर चलिए अब उसके बाद इसके अंदर एक और कंसेप्ट आता है इसी पीआईआर से जुड़ा हुआ जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं ठीक है हेडिंग डालें लिखे ऑप्टिकल फाइबर हिंदी में कहते हैं दृश्य तंतु ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का नाम आप में से सभी ने सुना होगा और
आजकल जो डेटा की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 2G के बाद 3G आया, 4G आया, 5G आया, मतलब 5G आ रहा है, ठीक है, जब आप लोग बताते 6G 7G पता नहीं कितने टाइप के जी आ चुके हैं, तो उन सब में जो उन सब का मतलब इतना ज्यादा जो डेटा की स्पीड बढ़ी है उसका मुख्य कारण जो है वो ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो एक ग्लास का सिलेंडर होता है, ग्लास का मतलब किसी मटीरियल का सिलेंडर होता है, और इसके अंदर ये लोग TIR का कंसेप्ट यूज करते हैं। कैसे TIR का कंसेप्ट यूज करते हैं, इधर से एक लाइट रे भेजेंगे और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा रखेंगे कि जो लाइट रे यहाँ से गई उसका इस जगह पर TIR, अब यहाँ पे TIR होगा तो फिर यहाँ पे भी होगा, फिर यहाँ पे भी होगा, फिर लाइट रे का बार बार TIR होगा, और TIR होते होते ऐसे ये लाइट रे जो है वो मतलब 50-50-100 किलोमीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, तो उतनी दूर ये लाइट रे चली जाती है। अगर एक बार यहाँ पे TIR हो गया तो फिर हर जगह होगा ना, सेम ही एंगल आएगा, इस लाइट रे का बार बार TIR होगा, एक एंड से दूसरे एंड में लाइट रे चली जाएगी। लाइट रे मतलब सिग्नल, तो सिग्नल एक एंड से दूसरे एंड में चला जाएगा, दूसरे एंड में जो सिग्नल का रिसीवर है वो रिसीव करेगा, फिर उस सिग्नल को अपने हिसाब से यूज करेगा। इसमें अच्छी बात यह होती है कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर दोनों तरफ से लाइट रे जा सकती है, इधर से भी सिग्नल भेजा जा सकता है, इधर से भी भेजा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि दो लाइट रे अगर आ रही, मान लो एक लाइट रे ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों टकरा के और सीधी निकल जाएंगी, अगर दो लाइट रे जा रही तो एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी, तो इसमें कोई लाइट रे में टकराने वाला बंदा तो है नहीं, तो दोनों तरफ से सिग्नल भेजा जा सकता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है इसमें दोनों तरफ से सिग्नल भेजा जा सकता है। कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर नॉर्मल एक करंट कैरिंग वायर है उससे अगर आप एक सिग्नल भेज सकते हो तो ऑप्टिकल फाइबर जो है उसी साइज के ऑप्टिकल फाइबर से 32,000 गुना ज्यादा सिग्नल भेजे जा सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल अगर करंट कैरिंग वायर है उसमें और ऑप्टिकल फाइबर में इतना बड़ा डेटा का डिफरेंस होता है। खैर, अब उसके बाद जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर है तो इसके ऊपर एक सवाल बनता है। सवाल ये है, ये लाइट रे ऐसे गई एक्सिस के किसी पॉइंट पे गिरी, क्वेश्चन लिखे फाइंड द मिनिमम, क्वेश्चन लिखे ऑप्टिकल फाइबर, पहले बंदे मतलब बताया क्या होता है, फिर हम उसमें क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर such that the light ray can never come out from the curved surface. Find the minimum refractive index of the slab such that the light ray can never come out from the curved surface. Find the minimum refractive index of the cylinder such that the light ray can never come out from the curved surface. थोड़ा इसको समझ मिले, जैसे मान लेते हैं यही है, ये ग्लास सिलेंडर है, यहां से लाइट रे एंटर की, इस तरफ से ये वाला फ्लैट सरफेस होता है सिलेंडर का, यहां से लाइट रे एंटर की, ये वाला कर्व्ड सरफेस है, तो अब यहां से लाइट एंटर की तो कर्व्ड सरफेस से कभी बाहर ना निकल पाए, ये वाला जो सरफेस है ना इससे लाइट रे कभी बाहर ना निकल पाए, ठीक है, तो इसके लिए इस सिलेंडर का कम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, जो दिया है वो यही दिया है। जो जानकारी दी है वो यही जानकारी दी है और कोई जानकारी नहीं।
क्या बेटा मी इज ग्रेटर देन रूट टू, मी रूट टू से बड़ा है। क्या बेटा वन से तो भी हमेशा ही बड़ा होता है यार। चलिए करें सॉल्व करें। देखिए बड़ा अच्छा इसमें सवाल भी है, कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है इसका। इसके अंदर ये जो लाइट रे जा रही है, ये लाइट रे यहाँ से मान लो ऐसे गई, और फिर हम चाहते हैं कि यहाँ से टी आई आर हो जाए, यहाँ से टी आई आर हो जाए। मैं ऐसा करता हूँ इस वाले एंगल को थीटा मान लेता हूँ, इसको थीटा मानूंगा तो ये वाला एंगल अपने आप कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे टी आई आर हो जाए, यही तो चाहता हूँ ना। यहाँ पे टी आई आर हो गया, एक बार लाइट रे का रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर यहाँ मुझे भी तो हर बार बार इसका टी आई आर ही होता रहेगा। पहली बार ही टी आई आर कराना है तो अब हम टी आई आर की शर्त ये जानते हैं कि अगर हम टी आई आर कराना चाहते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके ऊपर है, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन सी, तो 90 शुड बी ग्रेटर देन थीटा प्लस सी। थीटा उधर चला गया, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा सी से बड़ा होगा तो 90 जो होगा वो थीटा प्लस सी से बड़ा हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? तो 90 ग्रेटर देन थीटा प्लस सी। अब उसके बाद देखिए 90 थीटा प्लस सी से बड़ा हो गया। अब हम अगर इस वाले एंगल को बढ़ाते चले जाएंगे, इस एंगल को बढ़ाएंगे तो ये थीटा भी बढ़ता चला जाएगा। इस एंगल को मैं आई बोल रहा हूं, आई को मैं बढ़ाते चला जाऊंगा तो ये थीटा भी बढ़ता चला जाएगा। आई को मैं बढ़ा बढ़ा के अगर 90 कर देता हूं तो थीटा कितना हो जाएगा? आई को मैं बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं, आई बढ़ाऊंगा तो थीटा बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? स्नेल्स लॉ के हिसाब से अगर आप आई बढ़ाओगे तो थीटा बढ़ेगा। बढ़ा बढ़ा के अगर मैंने आई को 90 कर दिया ना तो थीटा जो है वो सी के बराबर हो जाएगा। एक मीडियम में 90 होता है तो दूसरे मीडियम में सी होता है, जानते हैं हम लोग इस बात को कि अगर एक मीडियम में एंगल जो है वो 90 है तो दूसरे मीडियम में सी के बराबर होता है। तो जैसे इस वाले मीडियम में अगर ये 90 हो जाएगा तो ये वाला एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो थीटा की जो सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू है वो सी है, क्रिटिकल एंगल, उससे ज्यादा बड़ा थीटा नहीं हो सकता। भाई आप इसको बहुत ज्यादा बड़ा कर दोगे तो 90 कर दोगे, तो एक मीडियम में 90 तो दूसरे में सी होता है ना एंगल। तो अगर आप इसको बहुत बड़ा भी कर दोगे, 90 कर दोगे, तो थीटा की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है वो सी के बराबर होगी, इससे बड़ा थीटा पॉसिबल नहीं। अब ध्यान से सुने, 90 अगर थीटा प्लस सी से बड़ा है तो 90 थीटा प्लस सी की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी बड़ा होगा। अगर y x से बड़ा है तो y x की सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा होगा। तो 90 अगर थीटा प्लस सी से बड़ा है, इसका मतलब 90 जो होगा वो थीटा प्लस सी की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी? 2c। माने थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आएगी? c। c प्लस सी कितना हो गया? 2c। तो 90 इज ग्रेटर देन 2c, तो 45 ग्रेटर देन c। बात खत्म हो गई। साइन ले लो दोनों साइड, साइन 45 ग्रेटर देन साइन c, ये हो जाएगा 1/√2 sin 45, ये हो जाएगा 1 upon mu, so mu will be greater than √2। तो ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिविटी √2 या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर √2 या उससे बड़ा होगा तो फिर लाइट रे एक बार अगर इंटर करेगी तो फिर दूसरे एंड पे ही निकलेगी जाके। नोट कर ले, मैंने इस एंगल को थीटा माना, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। TIR की शर्त यहां पर है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये एंगल सी से बड़ा होना चाहिए। अब 90 माइनस थीटा जो है वो सी से बड़ा होगा, ठीक है। तो 90 क्या होगा? थीटा प्लस सी से बड़ा होगा, तो 90 2c से बड़ा होगा, तो 45 सी से बड़ा होगा, sin 45 sin c से बड़ा होगा, 1 upon root 2 greater than 1 upon mu, so mu greater than root 2।
चलो बड़े आगे बढ़े तो म्यू जो है वो रूट टू से बड़ा हो जाएगा अगर हम एक इसके अंदर और कंसेप्ट आता है टीआईआर के अंदर ठीक है लेकिन ग्राफ हम लोग बनाते हैं हेडिंग डाले लिखे लेकिन ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन एंगल और इंसिडेंस एंगल के बीच का ग्राफ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का ग्राफ सो डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का ग्राफ समझिए आप जैसे ब्रैकेट में पहले लिखे डेंसर टू रेयर जैसे मान लेते हैं डेंसर मीडियम है रेयर मीडियम है और एक लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन एंगल के बीच का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं ठीक है डेविएशन एंगल का मतलब विचलन कोण और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आप जान ही रहे हैं अर्थात से देखते जाइए जैसे मान लीजिए कि एक लाइट रे ऐसे सीधे गिरी सीधे गिरी तो सीधी निकल जाएगी इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में 0 डिग्री है और अगर सीधी गिरेगी तो सीधी निकल जाएगी तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा यहां 0 डिग्री 0 डिग्री डेविएट का होगा लाइट सीधी निकल गई ना एंगल ऑफ डेविएशन भी 0 होगा तो यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा यानी कि ये ग्राफ ओरिजिन से तो पास होगा अगर आई 0 होगा तो डेल्टा भी 0 होगा अगर 0 डिग्री पर लाइट रे गिर रही तो फिर सीधी जा रही है तो ये इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा एक बार अब मान लीजिए कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने हल्का सा भी बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा अब ये एंगल है आई ये एंगल है आर डेविएशन कितना हुआ आर माइनस आई आर बढ़ाया ना इस बार तो डेविएशन जो होगा वो आर माइनस आई के बराबर हो जाएगा और कितना होगा क्लॉकवाइज तो आप जैसे आई की वैल्यू आप थोड़ी सी बढ़ाओगे तो जो डेविएशन एंगल जो पहले 0 था आप थोड़ा वो बढ़ जाएगा तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे तो डेविएशन एंगल बढ़ता जाएगा तो लीनियर कर्व तो होता नहीं तो इस टाइप का कर्व बन जाएगा ये ठीक है लीनियर इसलिए क्योंकि कोई साइन इनवर्स टाइप के फंक्शन आते हैं तो लीनियर फंक्शन बनने का सवाल नहीं है तो ये इस तरह से अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे तो डेविएशन एंगल बढ़ता चला जाएगा ठीक है कोई दिक्कत इसमें जब आई 0 होगा तो डेल्टा भी 0 होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ेगा तो आर माइनस आई भी बढ़ता चला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता चला जाता है एक खास मौका आता है ठीक है जिस मौके की वजह से हम लोग इस ग्राफ को बनाते हैं वो जो खास मौका है वो ये है कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दूं तब क्या होगा अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री अब कितना होगा डेविएशन 90 देखिए जरा ध्यान से लाइन रही जा ऐसे रही थी और ऐसे चली गई यही हुआ ना डेविएशन कितना हुआ ये डेविएशन 90 - c के बराबर यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस c के बराबर होगा उस समय जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कितना होगा π/2 - c या 90 - c जो लिखना चाहिए तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले जाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जाएगा और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा उस समय एंगल ऑफ डेविएशन π/2 - c के बराबर होगा अब आपने इस एंगल को जरा सा भी और बढ़ाया तो सब चेंज हो जाएगा क्रिटिकल एंगल इसी को कहते हैं जरा सा भी आप इसको बढ़ाएंगे बहुत जरा सा तो लाइट रे ऐसे आ जाएगी तो अब लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो ये जो सरफेस है ये तो प्लेन मिरर बन गया हाँ? अगर आपने एंगल को जरा सा भी बढ़ाया तो लाइट रे वापस उसी मीडियम में आ गई तो अब ये जो सरफेस है ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा और प्लेन मिरर का डेविएशन कितना होता है π - 2i और अगर आप देखें तो इस बार डेल्टा और आई के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी होगा और आई अगर सी के बराबर होगा तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी π - 2c तो जैसे ही एंगल सी से जरा सा भी ज्यादा होगा जैसे ही जरा सा भी एंगल सी से बढ़ेगा वैसे ही डेविएशन का फार्मूला ये बन जाएगा π - 2i अब i की वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएंगे तो डेल्टा घटता चला जाएगा
घटते 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 ये जीरो हो जाएगा, जब आई 90 के बराबर होगा तो ये डेल्टा जीरो के बराबर हो जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा पाई माइनस टू सी। मतलब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 जब ये सी के बराबर होगा तो ये 90 माइनस सी हो जाएगा, लेकिन उससे जरा सा भी ज्यादा करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन एक झटके में खूब सारा बढ़ जाएगा। मतलब सी तक तो ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ा रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन सी से जरा सा ज्यादा करेंगे तो एक झटके में जो लाइट ऐसे जा रही थी एकदम से ऐसे जाने लगेगी, तो अचानक से एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस टू सी, और फिर आप जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे तो डेविएशन की वैल्यू कम होगी, जब आई 90 हो जाएगा तो डेविएशन जीरो हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट स्ट्रेट लाइन होता है और यहाँ से यहाँ तक का कर्व होता है, और ये पॉइंट है ये इस कर्व पे लाइन नहीं करता है। जैसे आप मैथ्स का फंक्शन बनाते थे ना, तो जैसे जो लाइन नहीं करता उस पर डॉट बना के गोला बना देते हैं ना, ये करते थे ना, तो ये वाला पॉइंट लाइन नहीं करता, ये वाला पॉइंट पहले ही ले चुके हैं ना, सी जो है वो तो पहले ही कंसिडर हो चुका है, तो सी के जस्ट बाद वाला तो कंसिडर करेंगे, सी वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, बना ले ग्राफ। ये ग्राफ बन जाता है इसका, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक देता हूं मैं आपको, ठीक है। सर वो वाला ग्राफ लीनियर है? हां बेटा, सर वो सी के बारे में बनाएंगे, ग्राफ लीनियर है? हां लीनियर है। डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 आई हो गया ना, आई की पावर में भी है, डेल्टा की पावर में।